दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपको एग्लोनीमा या चाइनीज एवरग्रीन की केयर के बारे में बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं एग्लोनीमा बहुत ही अच्छा इंडोर हाउस प्लांट है ये प्लांट आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है क्योंकि ये इजी टू मेंटेन प्लांट है आप इसको कहीं पर भी रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है इसकी खास बात यह है कि ये इंडोर एयर प्योरीफाई प्लांट है इसके कलर और वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत होते हैं अब बात करते हैं इसकी केयर और मेंटेनेंस की इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद होती है इसको दो से तीन घंटे की धूप बहुत पसंद होती है धूप की वजह से इसकी पत्तियों में वेरिएशन और कलर बहुत अच्छे से उभर कर आते हैं आप देख सकते हैं इसकी लीफ में ब्राइट पिंक कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ये लो लाइट कंडीशन में भी बहुत अच्छे से चलता है लो लाइट कंडीशन की वजह से इस लीफ कलर और वेरिएशन में अंतर होता है आप इसे ऑफिस में रखें या वाशरूम में रखें या घर के किसी भी कॉर्नर में रखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसमें पानी हम तभी देंगे जब इसकी टॉप सॉयल बिल्कुल ड्राई हो गई हो ओवर वाटरिंग करने से इसकी जड़ सड़ जाती है और धीरे धीरे प्लांट भी मर जाता है गर्मी के मौसम में और बसंत के मौसम में इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है और विंटर में इसमें पानी बहुत कम देते हैं सॉयल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तब हम इसमें पानी देंगे आप इसको ग्रोइंग सीज़न गर्मी के समय या बसंत के समय इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं आप इसको वर्मी कम्पोज या या लिक्विड फर्टिलाइजर ग्रोविंग सीजन में दे सकते हैं आप इसको दो मेथड से प्रोपोगेट कर सकते हैं पहला डिवीजन से और दूसरा कटिंग से इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ये अभी बहुत छोटा है आप इसकी कहीं से भी कटिंग ले करके सॉयल या वाटर में लगा सकते हैं आपकी कटिंग ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी आप इसको कोकोपीट में या मिट्टी में भी लगा सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ये हमने कोकोपीट में लगाया है ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये दूसरा हमने मिट्टी में लगाया है ये क़रीब एक साल से हमारे पास में है और इसको हमने मिट्टी में लगाया था ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है हमारे पास तीन वैरायटी के एग्लोनीमा हैं ये लिपस्टिक एग्लोनीमा है ये भी हमारा लिपस्टिक एग्लोनीमा का प्लांट है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और दूसरा ये हमारा सिल्वर एग्लोनीमा का प्लांट है ये एग्लोनीमा मोडिस्टम का प्लांट है इसकी ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं ये भी बहुत खूबसूरत वैरायटी है टिप्स देती हूँ आपको अगर इसकी पत्तियों की टिप्स ब्राउन दिखती है तो उसके दो कारण होते हैं पहला ओवर वाटरिंग और दूसरा ओवर फर्टिलाइज़र अगर आप टैप वाटर से वाटरिंग करते हैं तो उससे भी इसकी टिप्स ब्राउन होती हैं तो आप एक काम कर सकते हैं तो आप एक बाल्टी में टैप वाटर पूरी रात बाल्टी में भरकर रख दें पूरी रात पानी रखने से ये होगा जो टैप वाटर में क्लोराइड या फ्लोराइड आयन होते हैं वो हट जाएंगे तो आप अगले दिन उसी वाटर से वाटरिंग कर सकते हैं और इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय हैप्पी गार्डनिंग